तो टीन और कापर को यहां पर मेल्ट करके बनाया गया है एक मटेरियल जिसको यहां पर है यहां पर दिया हुआ है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इस शेप का है ठीक है अब यहां पर बोला है तो इसमें 15 हम ले लेते हैं मान लीजिए ये पार्ट फिफ्टीन पार्ट्स ओके ये मान लीजिए फिफ्टीन पार्ट्स है और ये आपका टीन है दिस इज टीन और ये आपका है 105 पार्ट्स एंड दिस इज कॉपर आपको फाइंड करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलाय तो इस अलाय में कॉपर कितना होगा तो देखिए कॉपर का जो परसेंटेज फाइंड करना होता है या किसी भी एप किसी भी चीज का यदि आप परसेंटेज फाइंड करते हैं तो आपको बस देखना होता है कि उस पूरे अमाउंट में जिसका हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं उसमें कितना अमाउंट है जिसका हम फाइंड करना चाहते हैं उ, 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 उसका अमाउंट पूरे अमाउंट में मीन्स पूरे अलॉय में कॉपर का जो अमाउंट है वो कितना है क्योंकि कॉपर का ही परसेंटेज आपको निकालना है तो आप देख रहे हैं कि 105 है तो यहाँ ले सकते हैं आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दलॉय इज इक्वल टू क्या करना होगा कि अमाउंट ऑफ कॉपर इन द अलॉय अलॉय में कितना कॉपर है पहले हम लिखेंगे ड्यूमरेटर में और डिनोमेटर में लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ द अलॉय मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दट इज द परसेंटेज मीन हंड्रेड एंड फाइव होल अपान हंड्रेड एंड फाइव प्लस फिफ्टीन टोटल अमाउंट ठीक है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दिस इज परसेंटेज कितना आएगा ये वन हंड्रेड फाइव होल अपान ये हो जाएगा वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो जीरो जीरो कैंसिल टू सिक्स जै ट्वेल्व टू फाइव टेन एंड थ्री टू जै सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइव जै फिफ्टीन सो मल्टीप्लाई करेंगे फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का फाइव टू करिए फाइव थ्री जो फिफ्टीन एंड टू सेवेंटीन वन सेवेंटी फाइव पॉइंट टू यहाँ से कैंसिल करेंगे टू एट जा सिक्सटी एंड वन फिफ्टीन टू सेवन जै फोरटीन एंड वन मीन्स पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पर टेन हो जाएगा टू फाइव टेन मीन्स एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाव यहाँ पर कह रहा है क्या एन अलाय यहाँ भी अलाय दिया हुआ है कंटेंट्स 32% कॉपर 40% परसेंट निकिल एंड रेस्ट जिंक फाइंड द मास ऑफ जिंक इन वन केजी ऑफ अलाय तो मास निकालना है जिंक का इन वन केजी ऑफ अलाय अलाय के वन केजी में कितना जिंक होगा तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका है अलाय इसमें 32 टू ले, ले लेते हैं थर्टी ऑलमोस्ट दिस मच थर्टी टू परसेंट आपका कॉपर है सी यू एंड निकिल आपका है फोर्टी परसेंट निकिल है एंड रेस्ट इज जिंक सो जेड एन इज रेस्ट तो पूछा फाइंड द मास ऑफ जिंक इन वन के जी ऑफ ऑयल तो सॉरी वन के जी ऑफ अलाय तो यहाँ पर अलाय का जो टोटल परसेंटेज है वो कितना है हंड्रेड परसेंट जब भी कोई मटेरियल में आप कई सारे पार्ट्स करके और परसेंटेज उसका दिया रहता है तो समझिए कि पूरा जो मटेरियल है वो हंड्रेड परसेंट होता है तो यहाँ से आप जिंक का परसेंटेज निकाल सकते हैं क्योंकि ये थर्टी टू परसेंट कापर है और फोर्टी परसेंट निकिल है और रिमेनिंग यदि जिंक है तो आप इन दोनों को ऐड करके जिंक का परसेंटेज निकाल सकते हैं तो यहाँ पहले पहले फाइंड कर लेंगे सोल्यूशन परसेंटेज ऑफ जिंक जेडन इन दी एलॉय तो ये निकल जाएगा आपका हंड्रेड माइनस थर्टी टू प्लस फोर्टी एंड दैट कम्स आउट टू बी हंड्रेड माइनस ये हो जाएगा सेवेंटी टू सो ट्वेंटी एट परसेंट तो हमने जिंक का परसेंटेज निकाल लिया अब यहां पर दिया क्या है दिया है कि मास ऑफ जिंक इन वन के जी ऑफ एल अलॉय की वन के में कितना जिंक होगा यदि जिंक का अमाउंट एलॉय का अमाउंट यदि पता है तो जिंक परसेंटेज पता है आराम से निकाल सकते हैं कि कितना जिंक होगा सो so, यहां से निकाल सकते हैं कि मास सॉरी मास ऑफ जिंक इन वन के जी ऑफ द एलॉय वन के जी का मतलब कि वन थाउजेंड ग्राम राइट right? क्योंकि यहां पे वन के जी लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको जीरो पॉइंट में आएगा सो वी विल कन्वर्ट जी इनटू ग्राम एंड फाइंड द मास ऑफ जिंक इन ग्राम सो हमें करना होगा पर ऑफ तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे एक बार ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ वन थाउजेंड ग्राम सो यहां पे हो जाएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन थाउजेंड सॉल्व कर लिए कैंसिल कैंसिल एंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो so मिल जाएगा आपको टू हंड्रेड एट्टी ग्राम दिस इज द अमाउंट ऑफ जिंक विच इज इन द एलॉय ऑफ वन के जी सो समझ में आकर आपको कैसे फाइंड करना है यहाँ पर यहाँ पर जिंक का पहले परसेंटेज निकाला मैंने परसेंटेज निकालने के बाद ये पता चल गया कि इस ये जी ये जो एलॉय का जितना भी अमाउंट रहेगा यदि टू के जी फाइव के जी टेन के जी ट्वेंटी के जी जितना भी देता उसका ट्वेंटी एट परसेंट जिंक होता इसलिए हमने यहां पर ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ वन के जी निकाला एंड दैट्स हाउ वी फाइंड जिंक मास तो समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन सो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को एंड uh, एक कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग